बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पार्टी के नियम के मुताबिक 30 जून तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अब बात सामने आई है कि इस प्रक्रिया में देरी की वजह आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस ने साफ लहजे में कह दिया है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव बिना उसकी सहमति के नहीं होना चाहिए। इसके लिए रविवार 11 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक भी हुई थी। इसमें बीजेपी और आरएसएस दोनों तरफ के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 4 से 5 नामों पर चर्चा हुई। इनमें से 2 नाम प्रमुख थे, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित थी, लेकिन आरएसएस की राय अलग थी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासी सान पट्टी के इस वीडियो में आज चर्चा बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर, कि आखिर किसकी होगी ताजपोशी। जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर 11 अगस्त को राजनाथ सिंह की आवास पर करीब 5 घंटे बैठक चली। इस बैठक में आरएसएस की ओर से मोहन भागवत के बाद दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने हिस्सा लिया, जबकि बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान इस बात पर विचार किया गया कि क्या पार्टी को एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए, जो इस साल के अंत में होने वाले पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए एकमात्र उम्मीदवार रह जाए, यानी उसे कोई चुनौती देने वाला न हो, या फिर फिलहाल जेपी नड्डा को ही पद पर बनाए रखना चाहिए। जो लोग जेपी नड्डा को पद पर बनाए रखने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि इस साल हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जबकि नए अध्यक्ष की मांग करने वालों का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है। इस बैठक की दूसरी बात ये निकलकर सामने आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिन 4-5 नामों पर चर्चा हुई, उनमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और स्मृति ईरान का नाम शामिल था। इसमें बीजेपी किसी पिछड़े वर्ग के नेता या किसी महिला को पार्टी का नेतृत्व सौंपने का विकल्प तलाश रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इस पर राजनीति के जानकारों का मानना है कि मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले से ही कई वरिष्ठ मंत्री ओबीसी समाज से हैं। ऐसे में क्या बीजेपी का नया अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से होना सही होगा या बीजेपी किसी सवर्ण पर दाव खेलेगी? अगर ऐसा होता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। उनके पक्ष में उनका आरएसएस का करीबी होना और ब्राह्मण चेहरा होना प्लस पॉइंट है, और इस बीच वो कई बार दिल्ली की दौड़ भी लगा चुके हैं। लेकिन बैठक के दौरान पार्टी की कमान किसी महिला नेतृत्व को सौंपने की भी बीजेपी की तरफ से चर्चा की गई। इस पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी के नाम पर चर्चा हो, क्योंकि अभी तक बीजेपी की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं रही है। यही हाल आरएसएस के साथ भी है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि बैठक में कौन सा तर्क प्रबल हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है कि आरएसएस चाहता है कि अगले बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव उसकी सहमति के बाद ही किया जाए, जैसा कि पहले होता रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के समर्थन की जरूरत पड़ी। पिछले 10 सालों से सरकार के साथ साथ पार्टी के फैसले भी शीर्ष के दो नेता ही लेते रहे। साल 2014 में अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला रहा हो या साल 2020 में जेपी नड्डा को, इसमें आरएसएस की भूमिका ना के बराबर ही रही, जिससे बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियों का फासला धीरे धीरे बढ़ता गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का वो बयान कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, जब बीजेपी छोटी थी तो आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो खुद अपने पैरों पर चलने के काबिल है। इस बयान ने मोटे तौर पर साफ कर दिया था कि बीजेपी आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की तस्दीक आरएसएस पदाधिकारी और बीजेपी के पूर्व संगठन महासचिव पी मुरलीधर राव ने लोकमत हिंदी से बातचीत में कर दी थी, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी आरएसएस से बातचीत करने में दिलचस्पी दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए आरएसएस को ही आगे आना पड़ा। और यही वजह है कि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के निर्णय में आरएसएस को शामिल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरएसएस और बीजेपी के बीच अक्सर समन्वय बैठकें देखने को मिल रही हैं,
और इसी तरह की एक बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होनी है। ऐसे में चर्चा है कि इससे पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।